स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 4 के सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो क्वेश्चन है, ये आपका अनसोल्व का फर्स्ट क्वेश्चन है। जो स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन शो हो रहा है, ये टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर कोयल है, उसके अंदर 100 टर्न्स है, उनकी हर एक की जो रेडियस है वो 8 सेमी है, वो करंट जो 0.40 एम्पियर फ्लो हो रही है। आप बताओ कि सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। सबसे पहली बात ये मान लो आपको टर्न्स दे रखे हैं, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, टर्न्स की जो नंबरिंग है वो 100 है और रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 8 सेमी में। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 8 × 10^-2। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सेंटर पे μ0 Ni/2R। म्यू की वैल्यू है 4π × 10^-7, एन आपके 100 है, टर्न्स करंट आपकी 0.40 है और रेडियस आपकी है 8 × 10^-2। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.14 × 10^-5 टेस्ला, 10^-4। सोल्व करके चेक कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका एक्सरसाइज का आंसर का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की है। जब भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर वर्ड आ जाए, इट मीन ये वायर इनफाइनाइट लेंथ की है। इसमें करंट फ्लो हो रही है 35 एम्पियर और आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस वायर के आसपास 20 सेमी पे। ये एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है 35 एम्पियर की। आपको आसपास 20 सेमी पर एक पॉइंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो बायोसॉलिड का जो फॉर्मूला है इनफाइनाइट के लिए, या फिर एम्पियर का जो फॉर्मूला है इनफाइनाइट के लिए, वो है μ0 I/2πR। म्यू की वैल्यू है 4π × 10^-7, करंट फ्लो हो रही है 35 एम्पियर की, अपॉन में 2π की वैल्यू 3.14, रखने की जरूरत नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और डिस्टेंस है 20 सेमी, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 डिवाइड में आएगा तो 100 ऊपर चला जाएगा। इसको अगर सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.15 × 10^-5 टेस्ला। अभी थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है 50 एम्पियर नॉर्थ टू साउथ। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है बी की 2.5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर यानी इनफिनिट वायर है जिसके अंदर नॉर्थ टू साउथ करंट फ्लो हो रही है, और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन होगी, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होगी। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है 2.5 मीटर पे। तो इनफिनिट वायर के लिए जो फॉर्मूला है वो है μ0 I/2πR। तो म्यू की जो वैल्यू है वो है 4π × 10^-7, करंट फ्लो हो रही है 50 एम्पियर, 2π, डिस्टेंस है 2.5। इसको अगर सोल्व करेंगे ये इससे पॉइंट हटेगा, यहाँ पर आएगा 20 20 × 2 20 4 × 10^-6 टेस्ला, इसका पूरे का आंसर आ जाएगा। और बात करें डायरेक्शन की, तो आप अगर रूल लगाएंगे थंब जो है वो, अगर आपका डायरेक्शन दिखा रहा है करंट का, तो उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी। वो क्या दिखा रही है, उंगलियां जो है वो बाहर की तरफ आएगी इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे उंगलियां बाहर की तरफ आएगी, तो यहाँ डॉट बनेगा और यहाँ वेस्ट साइड क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा।